गीता में भोजन को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला क्षारीय भोजन अल्कलाइन फूड, दूसरा है अम्लीय भोजन एसिडिक फूड। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 80% क्षारीय भोजन बनाते हैं और 20% अम्लीय भोजन। स्वस्थ होने के लिए बीमार व्यक्ति को 80% से अधिक जितना वो प्रतिशत बढ़ा सके वैसा भोजन। मतलब 100% भोजन एल्कलाइन ही होना चाहिए जो बीमार है, और क्षारीय भोजन होता क्या क्या है, सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियां, चोकर सहित आटा, चोकर सहित आटा मतलब होल व्हीट आटा, होल व्हीट, कण समेत चावल, छिलके सहित दाल, एक उफान का दूध या दही, एक उफान जब गर्म करते हैं तो एक बार गर्म हो, एक उफान का दूध या दही, गुड़, शहद, भोजन है सफेद चीनी, सफेद चावल, सफेद मैदा। और इनसे बनी सारी चीजें और तली भुनी चीजें, तो सभी तरह के फल, चिकित्सा की किताबों आपने पढ़ा होगा कि फलों को छिलके सहित क्योंकि छिलकों में लपेट बहुत, लेकिन अब वो छिलके रह नहीं गए जिन्हें खाना, क्योंकि सेब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रंग का स्प्रे होता है, दवा का स्प्रे होता है, तब वो आप तक पहुंचता है, इसलिए अब सेब के छिलके खाने लायक नहीं। तो जो एक सेब आपको छिलके सहित खुजा दे सकता है, अब छिलका निकालने के बाद दो सेब खाना पड़ेगा। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि किन फलों में, किन सब्जियों में कौन सी दवाओं का प्रयोग होता है, कौन सी कॉमर्शलाइज्ड फल बनाए जा रहे हैं, उनका उपयोग कम किया जाए। अब जैसे 5-7 साल पहले ध्यान होगा आपको, तो जब अंगूर बाजार में बिकता था तो फल जहाँ बिकता था वहाँ सबसे किनारे अंगूर रखा जाता था, और एक आदमी उसमें पंखा झलता रहता था क्योंकि उसमें मक्खियाँ मारते, और अब अंगूर पर एक भी मक्खी नहीं, क्योंकि मक्खियों को मालूम हो गया है कि अंगूर उनके खाने लायक नहीं है, क्योंकि अंगूर पर सबसे अधिक दवाएं पड़ती हैं। आप अंगूर को ले आओ घर में रख दो तो सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं, क्योंकि दवाएं इतनी पड़ी हुई हैं कि किसी भी कीड़े के अंदर घुसने की जगह नहीं। अंगूर को काट के रख दो 2 दिन में सड़ जाएगा,
क्योंकि तब गंगी वहां पहुंच सकती है। तो अब तो अंगूर खाने लायक नहीं है, और अंगूर खाना ही हो तो उसको अच्छी तरह धो के एक भगवान में रख के वॉश बेसिन में रख देना चाहिए, नल खोल देना चाहिए कि पानी इसमें जाता रहे निकलता रहे, तब जाके ये उम्मीद की जा सकती है कि वो खाने लायक बन पाए। तो इस तरह जो भी फल छील के खाए जा सकते हैं उन्हें आप छील कर ही। दूसरी चीज, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जो फल होते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा होते हैं, जो ऋतु के फल हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप चिकित्सालय जिस शहर में खोलेंगे तो शहर के वातावरण से उन्हें बचाना है, इसलिए ऋतु के फल होने चाहिए और जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का फल होना चाहिए। मसलन ये हुआ कि गोरखपुर में अमरूद होता है, सेब नहीं होता, तो अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए और सेब और अमरूद की तुलना की जाए तो अमरूद ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है गोरखपुर निवासियों के, क्योंकि वो ठंडक की जगह पर होता है, ठंडक के लिए वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेब हमको फायदा नहीं करेगा, नुकसान करने लगेगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो अंगूर फायदा कर सकता है वो सेब नहीं करेगा। इसलिए फलों का चुनाव इस दृष्टि से करना है। दूसरी बात, ड्राई फ्रूट्स, जब ये फल सुखाए जाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स बनता है। हिंदी में तो एक ही शब्द है मेवे, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में आता है मुनक्का, किशमिश, खजूर, खुमानी, अंजीर, और ड्राई नट्स में बादाम, पिस्ता, अखरोट। और ये जो ड्राई नट्स हैं इसकी चिकनाई हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है, और इसकी चिकनाई हमारे हृदय रोग में भी बहुत उत्तम है। बस सारी दृष्टियों से जो मेवे की चिकनाई है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे भोजन में चिकनाई केवल 40 ग्राम होनी चाहिए। अगर आप 40 ग्राम चिकनाई इधर उधर की खा लेते हैं तब नट्स की चिकनाई नुकसान कर देगी, क्योंकि फिर वो नट्स की चिकनाई ओवर ईटिंग हो जाएगी। उसकी उपयोगिता तब तक है जब तक वो 40 ग्राम के अंदर है। मतलब अगर आप घी, तेल, मक्खन की चिकनाई छोड़ दीजिए, नट्स की चिकनाई खाइए, तब वो स्वास्थ्यप्रद है। ऐसा नहीं है बस पूरी खा लिया फिर कहा कि साहब वो तो नट्स इसलिए खाना है कि इसकी चिकनाई बहुत उपयोगी है, तब वो ओवर ईटिंग हो जाएगी और तब ओवर ईटिंग निश्चित रूप से नुकसान करेगी। और जब ये नट्स प्राकृतिक रूप में खाए जाए तब ये अल्कलाइन है, अप्राकृतिक रूप में खाए जाए तो एसिडिक है। अगर आपने बादाम को तल दिया, काजू को तल दिया, तो वो एसिडिक हो जाए, इतने में फर्क हो जाएगा, अल्कलाइन की जगह एसिडिक हो जाए। सभी तरह की सब्जियां, जो सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं उन्हें कच्चा खाना चाहिए, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी। और आप किसी को भी प्रिस्क्राइब करें तो वो कहेगा कि आप हमारा भोजन परिवर्तन बता दीजिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। और आप अगर आप उसको आपने बताना शुरू किया तो आपकी बात माने गए, लेकिन इतनी छोटी सी बात वो मान सकता है कि आप अगर ये कह दीजिए कि तुम जो खाते हो वो सब खाओ, खाली एक बात का ध्यान रखो कि दोपहर शाम भोजन के पहले आधा किलो सलाद खाओ, वो आपकी बात तुरंत मान जाए। लेकिन वो कुछ खा नहीं पाएगा फिर, तो उसके बाद तो सोचने और कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बात मान जाए। और उसके बाद अन्य जितनी कम चीजें खाएगा वो अपने आप में इम्प्रूव होगा, और ये आप सबको करा सकते हो, सबको कह सकते।
सर आधा किलो लेना या एक पाव लेना सर? इतनी बात बताए, इतनी बात अभी तो हमने खाली एक प्रिस्क्राइब किया है, इस भोजन के साथ एक पाव लेना जी, और मसालेदार भोजन के साथ आधा किलो लेना। अभी तो पहला प्रिस्क्रिप्शन बताया आपको कि उसको कह दो अलग आधा किलो सलाद खा, वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा, समझेगा भी नहीं, तुरंत हाँ कर देगा और तुरंत तैयार हो जाएगा कल से खाने के लिए। वो खा पाए या ना खा पाए वो बात उसी, लेकिन आधा किलो खा लेगा तो निश्चित रूप से भोजन आधा हो जाएगा और आधा हो जाएगा तो उसका स्वास्थ्य आधा तो ठीक हो जाएगा। सलाद भी जो छील के खाया जा सकता है वही छील कर दिया। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो भी कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे पात गोभी कच्ची खाई जा सकती है, भिंडी कच्ची खाई जा सकती है, फूल गोभी कच्चा खाया जा सकता है, पालक कच्चा खाया जा सकता है, शलजम भी कच्ची खाई जा सकती है, गांठ गोभी भी कच्ची खाई जा सकती है। ये तो हमारे परिपाटी में नहीं आई कि ये सब कच्ची खाई जा सकती, इसलिए हम कच्चा नहीं खाते। तो जो हमारी परिपाटी में कच्चा खाने का वो कच्चा खाइए, और जो कच्चा नहीं खाया जा सकता है उन्हें केवल खाने लायक बना दी। तो अगर जो कच्ची नहीं खाई जा सकती है, जैसे लौकी परवल नीमा तोरी गोटा है, उसको उबाल लीजिए खाने लायक बना लीजिए। तो आलू मंदिर में सब्जी बन रही है, लगभग 15 किलो सब्जी एक बनती है, उसमें 25 ग्राम देसी घी पड़ता है और 10 ग्राम जीरा पड़ता है और हल्दी पड़ती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ता। नमक आप स्वाद के अनुसार डालते हैं। तो एक तरह से वो 25 ग्राम ही रहा ही नहीं, वो लिटरली उबली हुई सब्जी मिलती है, लेकिन छौंकने से जो उबलेपन का आभास है वो खत्म हो जाता है, इतना ही फर्क है। तो लिटरली आपको आलो मंदिर में सब्जी केवल उबली हुई मिल रही है। तो सब्जी जो कच्ची खाई जा सकती है उसे कच्चा खाना चाहिए, जो कच्ची नहीं खाई जा सकती है उसको खाने लायक बनाना चाहिए। फिर तीसरी चीज आती है चोकर समेत आटे की रोटी। तो मतलब जो आटा है, गेहूं है, उसको साफ किया जाए, धोया जाए, पीसा जाए और उस पीसे हुए की रोटी बनाए। गेहूं जितना मोटा पीसा जाएगा उतना रफेज उसमें ज्यादा होगा। और जितना मोटा होगा उतने ही चोकर उसमें सम्मिलित होगा। अधिक से चोकर, अन्यथा अलग से चोकर मिलाने की कोई जरूरत नहीं। तो आटा बनाया जाए, रोटी सेकी जाए और रोटी खाई जाए। इसके ऊपर जब भी उसका रूप परिवर्तन होगा तब स्लिप हो जाए कि आपने पूरी बना ली, पकौड़ी बना ली, पराठा बना लिया, वो आटा एसिडिक हो जाएगा, और आपने केवल साधारण रोटी बनाई तो वो एसिडिक होगी, वो एसिडिक रहेगा, अल्कलाइन रहेगा। सर तुरंत रोटी बना लीजिए, रोटी जैसे भूजते हैं तो उसी समय उसको बना लीजिए, उससे बनाएंगे तो अच्छी बनेगी, 3 घंटे 2 घंटे छोड़ देंगे तो वो फूल जाएगा और बढ़िया रोटी होगी। जितनी मोटी बनाएंगे उतनी रोटी उबली हुई होगी और जितनी पतली बनाएंगे उतनी रोटी जलेगी, क्योंकि जब आप सेकते हैं तो आधी जल जाती है और जो जल जाती है वो कार्बन हो जाता है, कोयला हो जाता है, और कोयला खाना या जली रोटी खाने में कोई फर्क नहीं। अगर आप 40 ग्राम आटे की 4 रोटी बनाएंगे तो जलने का परसेंटेज बढ़ जाएगा, और 40 ग्राम की 1 रोटी बनाएंगे तो जलने का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी मोटी होगी उतनी अंदर की चीजें उबलेंगी
जलेंगी। मेरी बात समझ आ रही है? चावल कण समेत हो जाए, कण समेत चावल कहते किस पर जो चावल होता है उसके ऊपर एक बहुत पतली सी परत होती है और उसके ऊपर वो ब्राउन कवर होता है जो कड़ा होता है। आपने चावल देखा होगा, धान को धान कहते हैं, और मशीन से वो कड़ी भूरे रंग की भूसी निकाली जाती है और दूसरी मशीन से जो चावल और भूसी के बीच में परत होती है वो निकाली जाती है, पॉलिश करना, वो पॉलिश करना कहते हैं। तो अगर वो पतली परत के साथ चावल है तब वो कण समेत चावल है। तो जैसे आटा पीसा जाता है, वैसे अगर लकड़ी की दो चक्की हो उसमें पीसा जाए तो केवल वो भूसी निकलेगी, या फिर जो भूसी निकालने की मशीन होती है जहां चावल बनता है वहां पहले जब मशीन में डाला जाता है तो 95% भूसी निकल जाती है, उसको फिर से उसी मशीन में डाला जाता है तब 100% भूसी निकलती है और फिर दूसरी मशीन में डाला जाता है उसको पॉलिश कर। तो अगर पहली बार मशीन से 95% भूसी निकला हुआ आपको चावल मिल जाए तो आप 5% हाथ से बीन लो और वो चावल कण समेत चावल है। और कण समेत चावल 15 दिन से 1 महीने के अंदर उपयोग में ले आना चाहिए, नहीं तो कीड़े खा जाएंगे, क्योंकि तब कीड़ों को मालूम है कि वो चावल उनके खाने लायक है। और जब पॉलिश किया हुआ चावल होता है तो कीड़ों को खाने की जरूरत ही नहीं, तब आदमी ही खाता है। तो कण समेत चावल, जो भुजिया चावल है जो ब्राउन कवर के साथ उबाल दिया जाता है तब बनाया जाता है, तब केवल ऊपर की भूसी छूटती है और कण जो है वो चावल में चिपक जाता है। तो भुजिया चावल भी कण समेत चावल है। तो जो कण समेत चावल है वो अल्कलाइन है, जब कण उसमें से निकल गया तो वो एसिडिक। छिलके से दाल, दाल को अंकुरित कर दीजिए तो उसका छिलका आपके उपयोग में आएगा, और जब अंकुरित कर देते हैं तो अंकुर में विटामिन ई पैदा हो जाता है जो सबसे अधिक होता है, मतलब किसी भी सब्जियों में उतना नहीं होता, किसी भी फल में उतना नहीं होता, किसी भी मेवे में उतना नहीं होता जितना उस अंकुर में होता है विटामिन ई। और जब अंकुर निकल जाता है तब दाल के दो दाल की प्रॉपर्टी बदल जाती है, क्योंकि हमारे दालों में अमीनो एसिड्स होते हैं और 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, और किसी भी एक दाल में 22 के 22 नहीं होते, किसी में 21 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, और सब दालों में कोई 21 होगा, किसी दाल में दूसरे 21 होगा। ऐसा नहीं है कि हर दाल में वही 21 है, वही एक अमीनो एसिड लाया है, ऐसा एक दाल में नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि दाल को बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए कि आपको 22 के 22 अमीनो एसिड। दाल में जो 21 अमीनो एसिड्स होते हैं वो जब टूटते हैं तब पचने लायक होता है और तब वो सुपाच्य होता है, और उस 22 अमीनो एसिड्स या 21 अमीनो एसिड्स तोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना बहुत जरूरी है तभी वो टूटेंगे। इसलिए दालों का प्रयोग जो शारीरिक श्रम नहीं करते उन्हें नहीं खाना चाहिए। दाल जब अंकुरित हो जाता है तब उसको तोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अंकुरित दाल का प्रयोग कोई भी किसी भी उम्र में कर सकता है।
तो जो दाल हम अंकुरित करके खा रहे हैं वो अल्कलाइन है, जो अभी तक हम दाल पकाकर खाते आए हैं जैसे भी। चावल दाल क्यों नहीं खा, वो भोजन के मेल में बताएंगे कि चावल दाल मिला के क्यों नहीं खाना चाहिए, और चावल अनपॉलिश्ड हो तो खाया जा सकता है। अब दूध, किताबों में बहुत महिमा गाई है धारोष्ण दूध की, दूध को निकाला जाए और दिया जाए, तो उसके लिए बहुत प्रिकॉशंस की आवश्यकता है कि गाय को सही भोजन मिलना चाहिए, गाय को चराया जाना चाहिए कि उसका शारीरिक श्रम हो, गाय जहाँ रखी जाए वहाँ बहुत साफ होना चाहिए, जिस दूध में आप पात्र में निकालते हैं वो पात्र साफ होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो दूध होता है उसकी सफाई के साथ साथ उसका मानसिक हित जुड़ा होना चाहिए कि जो इसको पिएगा वह इतनी सारी चीजें जुड़ी हो, तब धारोष्ट दूध पीने का अर्थ है। और धारोष्ट दूध निकलने के 3 घंटे के अंदर पीना चाहिए। फर्मेंटेशन शुरू है, और मैंने आपको बताया एक उफान का दूध, मतलब आपने कच्चा दूध गर्म करने के लिए रखा, वो गर्म हुआ और भगोने से निकलने की प्रक्रिया में आया और आपने उसको गर्म होना बंद कर दिया, और ये मान लिया जाता है कि दूध उबल गया। इस क्रिया में अगर एक बार होता है तब तो वो अल्कलाइन है, और एक बार से अधिक बार अगर आपने किया तो वो दूध ऐसे छोड़ गया। इसलिए गर्म करने के बाद यदि फिर से गर्म करना की इच्छा हो तो दूध को उतना गर्म कीजिए जितने आप पी सके, उसको उबालने की प्रक्रिया में मत लगे, तब उसका प्रयोग बार बार कर सकते। एक बार उबल गया, बस ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, उसके बाद तो उतना ही गर्म कीजिए जितना आपको पीना, तो उबलेगा नहीं। और लोग करते क्या है कि उबलते हैं फिर बंद करते हैं, फिर उबलने देते हैं फिर बंद करते हैं, 2-3-4 बार करते हैं, तो दूध एल्कलाइन से एसिडिक हो जाता है। दूध को हम लोग गर्म करते हैं, फिर दही जमाने के टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं और दही जमाते हैं। तो अगर एक बार उबला हुआ दूध की हम दही जमाते हैं तो दही फिर एल्कलाइन हुई, और 4-5 बार उबाल के अगर हम दही जमाते हैं तो दही भी एसिडिक हो जाएगा। देखिए कोई घूम रहा है, लिटमस पेपर ले लीजिए, लिटमस पेपर से एसिडिक और अल्कलाइन पता चलेगा। मॉइस्चराइज दूध अलग ढंग से बनता है, मॉइस्चराइज दूध ऐसे नहीं बनता, मॉइस्चराइज दूध को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करके वो 1 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है, तब वो उबलता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको लाया जाता है और तब उसको बंद किया जाता है, वो उसकी विधि ही अलग है। तो अब ये कह पाना कि धारोष्ण दूध कहाँ मिलेगा, सही दूध कहाँ मिलेगा, पॉस्चराइज दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, वो सारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, वो समाधान आपके पास नहीं है। लेकिन अगर दूध सही नहीं मिलता है तो अंकुरित अनाज से दूध का लाभ लेना, क्योंकि अंकुरित अनाज हमेशा सही मिलेगा, क्योंकि अंकुरित अगर अनाज खराब है, सड़ा है, कीड़े ने खा लिया है, दवाओं ने खराब कर दिया है,
वो और अंकुरित है तो वो अन्न स्वस्थ है, और अन्न स्वस्थ है तो आपको भी स्वास्थ्य का प्रदान करेगा। इसमें कहीं जगह नहीं, वो सारी इसलिए अंडा मांस मछली वो सब। सर ये जो मकई है, मक्के का जो आटा होता है सर, मकई का अल्कलाइन है, अल्कलाइन एक दली अनाज, एक दली सब अल्कलाइन, एक दली अनाज गेहूँ मक्का बाजरा और दाल निकाल के दाल पका लिया गुड़ बिना रसायन के गुड़ तब कहाँ से बिना रसायन का मिलेगा वो आपको कैसे उसको पहचानेंगे सर वो आपको इसलिए मत खाइए और मीठे का आनंद खजूर के से दुर्भाग्य से लीजिए और शहद शहद में भी बहुत झगड़ा है तो वो अगर शुद्ध शहद हो और शुद्ध गुड़ हो तो वो अल्कलाइन ऑर्गेनिक की तो बात ही होती है मिश्री मतलब से मिश्री बनाया जाता है। हाँ मिश्री से चीनी नहीं बनता, चीनी को केमिकली प्रोसेस किया जाता है तब मिश्री तैयार होती है। तो चीनी का नुकसान फिर उस केमिकल का नुकसान, तो मतलब अगर तुलना की जाए तो मिश्री ज़्यादा नुकसान ऑर्गेनिक जूस तो आपको यहाँ मिल रहा है जो ज्वारे का रस खजूर कि आपके सामने बोया जा रहा है, गोबर की खाद डाली जा रही है और वो ज्वारा तैयार किया जा रहा है और उस ज्वारे का रस का लाभ आपको दिया जा रहा है जिससे अमृत रस कभी मिल नहीं सकता। और जो इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है वो अपना ही नुकसान कर रहा है क्योंकि इससे अच्छा लाभ मिल नहीं सकता। क्योंकि जो ब्लड का कंस्टिट्यूशन है वो 40% ज्वारे के रस में है और जब ब्लड की कमी होती है तो बोतल चढ़ाया जाता है कि खून बढ़ा लो कि उसका रिकवर हो जाए, एनीमिया हो गया तो उसको रिकवरी करने का। तो ज्वारे के रस से बढ़िया रिकवरी का तो कोई साधन नहीं है और इस ज्वारे के रस के बोने का सबसे बड़ा लाभ मुझे मिलता है कि मुझे रोज चूल्हे को मिल गया बिना मेहनत किए, क्योंकि मेहनत तो हम आपके लिए करते हैं, बोते तो मरीज के लिए हैं, स्टाफ लगाते हैं मरीज के लिए, निकालता मरीज के लिए और बोनस में मुझे मिल जाता है रोजगार का बस। जैसे ये सड़क टहलने के लिए हमने मरीजों के लिए बना रखी और बोनस में मैं टहलता हूँ तो इससे बढ़िया ज्वारे का रस कभी मिल नहीं सकता। फ्री में तो कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा और जिस दिन फ्री में मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं है। आइए दो घंटे हम हो पाएंगे ना हम वो लगा पाएंगे ना सुबह 5 बजे स्टाफ उठा पाएंगे ना वो रस निकाल पाएगा ना वो आपको दे पाएगा। जो दाल मिलता है वो अंकुरित दाल है, यहाँ जो दाल मिलता है वो अंकुरित दाल नहीं, यह भुलावन है, वो एसिडिक है। जो दाल यहाँ डाला जाता है वो एसिडिक। अंकुरित दाल कैसे बनता है? अंकुरित दाल बनाने का तरीका बता दें। जो छिलके से दाल तो आपको मालूम है ना, है साबुत दाल को साबुत चना साबुत मूंग तो आप समझते हैं ना, इसको 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दी और 12 घंटे के बाद उसको एक सूखे कपड़े में बांध दीजिए 12 घंटे के लिए और इस जाड़े में 16 घंटे के लिए और जब 16 घंटे के बाद आप उसको खोलेंगे तो हर दाल में से अंकुर निकल जाएगा। पकाएंगे तो अंकुर का विटामिन ई नष्ट हो जाएगा। 12 से 16 घंटे
12 घंटे तो 8 घंटे भी हुई है, 12 घंटे बाकी है। सबसे आसानी से मूंग होता है, उससे मुश्किल से चना होता है, उसके मुश्किल से मूंगफली और राजमा होता है। ये आप वो करेंगे तो आपको अनुभव मिल जाएगा कि कितने घंटे में क्या होता है। सर वो जो अंकुरित होगा उसको फिर पकाना नहीं चाहिए? नहीं पकाएंगे तो प्राकृतिक लवण नष्ट हो जाए। ऐसे ही खाएंगे? ऐसे ही खाइए। अच्छा खाना है सर, या फिर उससे कम सात्विक खाना दो बार के खाइए। पूरी दाल कम सात्विक खाना तो उसका दाल बना कर पूरी दाल हुआ कैसे सर? पूरी दाल फिर बनेगा? कच्ची खानी है वो, कच्ची खा लीजिए। दाल तो आपको पिताजी ने आपको बना के दिया था तो आपको दाल मालूम है। अंकुरित दाल खाने का चीज है तो अंकुरित दाल जैसे आप दाल बनाते हैं वैसे अंकुरित अनाज को दाल बनाते हैं। उसको सुखाने के बाद फिर अंकुरित को दाल बनाया जाएगा। उसको दाल बनाएगा, पानी डाल के उबाल दिया जाएगा, थोड़ा सा मत दिया जाएगा तो दाल तैयार हो जाएगा। आप रोज एक ही व्यक्ति के बगल में बैठ के पढ़ना चाहते, यहाँ पे जितने लोग हैं आप सबसे बराबर बात नहीं करते, एक दो लोगों से ज्यादा अधिक बात करते। वो आपसे बात करें या ना करें, आप जब बगल में दोनों खड़े होते हैं तो आपको बड़ा आराम होता है। और जिसने आपको दो तमाचा मारा हो उसके बगल में खड़े होने को मौका मिल जाए तो आपकी जान निकल जाएगी कि कब फिर तमाचा पड़ जाए। और पड़ गया ना, वो भाव का फर्क है। फिर ज्वार का रस कितने दिन तक लेना चाहिए? जीवन भर, जीवन भर, जीवन एक गिलास है, एक गिलास 100 पौधे का रस। 100 पौधे इसकी तो मशीन आती है, इसकी तो मशीन आती है, 2.5 लाख रुपए की मशीन आती है, उसमें एक लीटर ज्वारा रस दीजिए 24 घंटे में पौधा तैयार। ये जो बाजार में बिक रहे हैं पाउडर वो सब उसी का खेल है। मैं सबको बताया अच्छा, गर्मी में भी हो जाएगा सर? ये गर्मी कुछ 12 महीना होगा सर। ये सुबह एमडी स्टोव लेने के बाद फिर कितने दिन? एक घंटे तक कुछ रहेगा? एक घंटे कुछ न ले तो उसका पूरा लाभ है। हाँ, मतलब पानी भी पानी पी सकते हैं? पी सकते हैं पानी तो, क्योंकि देखिए ये जो रस है ये 100 पौधे का रस है, एक व्यक्ति के हिस्से में 100 पौधे का रस आता है। तो रस तो एक ही दो चम्मच होता है, तो मिक्सी में चलाने से पानी मिलाने से आपको एक गिलास दिखाई देगा। आप जिस दिन कहोगे आधा ग्लास दे रहे हो तो पानी मिला के पूरा ग्लास कर देंगे। बात तो जितनी संख्या आपकी होती है उस हिसाब से 100 पौधे के हिसाब से वो काटा जाता है, उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। चलेगी नहीं, मिक्सी से निकलेगी, या तो आप सिल लोड़े पे पीसी चटनी की तरह और फिर कपड़े से छानिए तब आपको पूरा रस मिलेगा, उसमें भी थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा तभी मिक्सी लोड़े पे चले। तो रस तो रस है, इसका ये कहा जाता है कि 100 पौधे का रस एक के हिस्से में पड़ना चाहिए तब उसको पूरा लाभ हो। सर बोने के कितने 7 दिन बाद? सर कितने दिन बाद? 7 दिन बाद तो आज तक हमको नहीं मिला, 10 दिन 12 दिन 15 दिन ये भी अपने 12 महीना बोया है तब समझ में आता है। जाड़ों में वही 15 से 18 दिन के बाद तैयार होता है। गर्मी में 10 दिन बाद तैयार होता है। अप्रैल में जब गेहूं बोया जाता है तब बड़ी आसानी से पौधा बोया जाता है, तैयार होता है। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाता है तब से वो उसकी ग्रोथ कम होती चली जाती है। जब हम लोग उसको बो देते हैं, बो के काटने के बाद अगर उसको तुरंत बोड़ के उस जमीन की उर्वरता रोकी ना जाए, क्योंकि आप काट देंगे उसके बाद जो पैदा होगा तो उसका दम निकलेगा, और दम निकलेगा तब उसके बाद जब दोबारा बोएंगे तो उसकी प्रोग्रेस कम होगी, कम हो जाएगी। ये कई किताबें नहीं लिखा, ये एक साल बोने के बाद मेरे समझ में आया, और बरसात में सब सड़ जाता है। अगर 3 दिन पानी बरस गया लगातार 3 दिन तो सब सड़ जाए। नहीं जड़ से तो सर उसको जड़ भी उखाड़ सकते हैं, जड़ धो सके अच्छी तरह,
सर उसको कोड़ने के बाद फिर पानी कितने दिन बाद उसको देना है? तो देख के देखना पड़ता है, फिर पानी का सीजन कैसा है, गर्मियों में हर दूसरे दिन देना पड़ेगा, जाड़े में देने ही नहीं पड़ता। अगर सर सुबह खाली भी टमाटर खाने से भी लाभ होता है क्या? सब फल सलाद खाने से लाभ, कोई चीज खाने से नुकसान तो नहीं, लेकिन लोगों ने बना रखा है कि खाली पेट फल और सलाद नहीं खाना, क्योंकि फल और सलाद में रोग निकालने की ताकत होती है, पूरी कचौड़ी पराठा मिठाई में कोई ताकत नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि खाली पेट वही खा लेना चाहिए। किसी भी तरह कन्विंस कर लीजिए, पहले या साथ या बाद, आपकी कन्विंस प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे भी खाइए भोजन पेट में 4 घंटे रुकेगा, चाहे पहले खाइएगा या बाद में खाइएगा, तो 4 घंटे पेट में आराम करता है, इसलिए कोई उस कॉम्बिनेशन का कोई हल